अक्सर लर्नर इफ और इन केस को लेकर कंफ्यूज रहते हैं और वे नहीं समझ पाते हैं कि इफ और इन केस का कहां इस्तेमाल करना चाहिए। तो अगर आप भी इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं तो आइए इस कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। अगर हम बात इफ की करें तो हम इफ का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमें कहना हो कि अगर ऐसा होगा तो वैसा होगा, अगर बारिश होगी तो मैं छाता लूंगा। यहाँ इस सेंटेंस में बताया गया कि मैं छाता तब लूंगा जब बारिश होगी, अगर बारिश नहीं होगी तो मैं छाता नहीं लूंगा। वही अगर हम बात इन केस की करें तो इन केस का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें एहतियात या सावधानी दिखाना हो, यानी जब हमें अपने सेंटेंस में प्रिकॉशन दिखाना हो तो वहाँ पर हम इफ का नहीं बल्कि इन केस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मुझे कहना हो मैं छाता लूंगा क्या पता बारिश हो जाए, तो यहाँ बातों से पता चला कि यहाँ बारिश होने की संभावना है, हो सकता है बारिश हो और नहीं भी, लेकिन एहतियात के तौर पर या सावधानी के तौर पर मैं छाता ले लूंगा। आइए कुछ एग्जांपल्स देखें ताकि आप इस बात को शानदार तरीके से समझ सकें। इन केस इज यूज टू शो दैट प्रिपरेशन हैव बीन मेड एज ए प्रिकॉशन, यानी इन केस का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें बताना हो कि एहतियात या सावधानी के तौर पर कोई तैयारी किया जा चुका है। कहने का मतलब है कि आप इन केस का इस्तेमाल तब करेंगे जब आपको ये बताना होता है कि एहतियात के तौर पर या सावधानी के तौर पर कोई काम किया जा चुका है। यहाँ मैंने कुल 4 एग्जाम्पल्स लिखा है। यह पहला एग्जाम्पल है, आई विल टेक वैक्सीन इफ आई गेट इन्फेक्टेड। यहाँ इस सेंटेंस में मैंने इफ का इस्तेमाल किया है, तो इस सेंटेंस का मीनिंग है मैं वैक्सीन लूंगा अगर मैं संक्रमित हो जाऊं, यानी अगर मैं इन्फेक्टेड हो जाऊं। तो यह बातों से ये मालूम हुआ कि जब तक मैं इन्फेक्टेड नहीं होऊंगा मैं वैक्सीन नहीं लूंगा, यानी मैं वैक्सीन तब लूंगा जब इन्फेक्टेड होऊंगा। वहीं अगर हम बात दूसरे सेंटेंस की करें तो यहाँ लिखा है आई विल टेक वैक्सीन, मैं वैक्सीन लूंगा इन केस आई गेट इन्फेक्टेड, क्या मालूम मैं संक्रमित हो जाऊं, यानी क्या मालूम मैं इन्फेक्टेड हो जाऊं। तो यहाँ इस सेंटेंस में बताया जा रहा है कि प्रिकॉशन के तौर पर यानी एहतियात या सावधानी के तौर पर मैं वैक्सीन लेने का काम करूंगा ताकि इन्फेक्टेड होने की नौबत ना आए। तो फ्रेंड्स आपने यह देखा कि यहाँ पहले सेंटेंस में जहाँ इफ का इस्तेमाल किया गया वहाँ ये बताया गया कि अगर कोई पहला काम होगा तो दूसरा काम होगा, यानी मैं वैक्सीन तब लूंगा जब मैं इन्फेक्टेड हो जाऊंगा। लेकिन वही दूसरे एग्जाम्पल में जहां इन केस का इस्तेमाल किया गया था वहां ये बताया गया कि क्या मालूम मैं इन्फेक्टेड हो जाऊं, यानी संक्रमित हो जाऊं, इसलिए एहतियात या सावधानी के तौर पर मैं वैक्सीन लूंगा, यानी इस काम के होने से पहले इस काम की तैयारी की जा चुकी होगी। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, आई विल हैव सम मनी इफ आई नीड इट। इस सेंटेंस का मीनिंग है अगर मुझे जरूरत होगी मैं कुछ पैसे रख लूंगा। यहाँ इस सेंटेंस में ये बताया गया कि अगर जरूरत होगी तो मैं पैसे रखूंगा, यानी अगर जरूरत नहीं होगी तो मैं पैसे नहीं रखूंगा। वही अगर हम बात दूसरे एग्जांपल की करें जहाँ इन केस का इस्तेमाल किया गया है तो यहाँ लिखा है आई विल हैव सम मनी इन केस आई नीड इट। इस सेंटेंस का मीनिंग है मैं कुछ पैसे ले लूंगा या मैं कुछ पैसे रख लूंगा, क्या पता मुझे इसकी जरूरत पड़ जाए या क्या मालूम मुझे इसकी जरूरत पड़ जाए। यहाँ इस सेंटेंस में प्रिकॉशन है यानी एहतियात या सावधानी दिखाया जा रहा है कि एहतियात के तौर पर या सावधानी के तौर पर मैं ये काम कर लूंगा, क्या पता ऐसा हो जाए। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि यहाँ आपने सीखा कि इफ का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें कहना हो कि अगर ऐसा होगा तो वैसा होगा, यानी दूसरा वाला काम तब होगा जब पहला वाला काम होगा। वही अगर हम बात इन केस की करें तो इन केस का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें एहतियात दिखाना हो या सावधानी या प्रिकॉशन दिखाना हो कि मैं ये पहला वाला काम कर लूंगा क्या मालूम या क्या पता ये दूसरा वाला काम हो जाए।